भोजपुर जिले में फिरौती हेतु 3 वर्षीय बालक के शिवम कुमार को भोजपुर पुलिस द्वारा सूचना के बाद 2 घंटे के अंदर बरामद किया गया। बच्चे के अपहरण में महिला समेत एक अभियुक्त रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। हम आपको बता दें कि मामला भोजपुर जिला अंतर्गत उद्वन नगर थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़ा निवासी राजकुमार सिंह पिता स्वर्गीय विशेश्वर सिंह का है। थाना उद्वन नगर जिला भोजपुर को कल शाम थाना अध्यक्ष को सूचना दिया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार के द्वारा अत्यंत गंभीरता लेते हुए स्वयं अपने नेतृत्व में अनुमंडल पदाधिकारी आरा सदर पुलिस निरीक्षक सदर अंचल तथा थाना अध्यक्ष उद्वन नगर को त्वरित कार्यवाही का निर्देश दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद महज 2 घंटे के अंदर ही अपराधी रोहित कुमार उर्फ बंगाली पिता मधेश सिंह ग्राम गढ़ा को पकड़कर पूछताछ के क्रम में कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया। इसके बाद निशानदेही पर अपहरण बच्चा शिवम कुमार को झोपड़ी नुमा घर से छुपा कर रखे हालात में बरामद किया गया। बरामदगी उपरांत उक्त पकड़े गए अपराधी रोहित कुमार और बंगाली कुमार एवं राधिका देवी पंक्ति मोटू यादव द्वारा अपने स्वीकारोक्त बयान में अपना अपना दोष स्वीकार करते हुए बताया कि अपहरण बालक शिवम कुमार को इन लोगों द्वारा फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। मामला है, एक गढ़ा निवासी है राजकुमार पिता राजकुमार सिंह, उनका उन्होंने थाना अध्यक्ष को सूचना दी थी कि इनका भतीजा है शिवम कुमार, लगभग 3 वर्ष उसकी उम्र है, उसको कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। इसी पे तुरंत कार्रवाई करते हुए और SHO द्वारा अपनी टीम फॉर्म करते हुए बच्चे की रिकवरी की गई शिवम कुमार की। और ये जो अपराधी है एक बंगाली कुमार और रोहित कुमार, इसको गिरफ्तार किया गया। इसकी निशानदेही पे ही बच्चे की बरामदगी एक राधिका देवी मंटू यादव यहाँ से इनके रिकवरी हुई। बच्चा एक झोपड़ी नुमा घर में इन्होंने रख रखा था। इनका उद्देश्य था कि बच्चे को किडनैप करके उसे उनके पिता से रंगदारी मांगना, और इन लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी कि रंगदारी मिले ना मिले बच्चों को इनको मार देना था। परंतु इसमें पुलिस ने इंटरवेंशन किया सही टाइम पर और बहुत ही तेज़ी से 2 घंटे के अंदर इस कांड का उद्भेदन ही किया। साथ में सभी लोगों को, इसमें उस महिला को जहाँ बच्चा रखा गया था एवं जिसने किया था बंगाली कुमार, इन दोनों को पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम में बहुत सारी बातें निकल के आईं कि जो जिस बच्चे को उन्होंने किडनैप किया था उसके घर में वो 3 बच्चियों के बाद इकलौता बच्चा था और ये लोग आमने सामने ही इनके घर थे, तो उसी क्रम में बहुत दिनों से इसकी निगाह थी और इसने अपना इस तरह किया है। ये बंगाली कुमार जो है, ये पहले भी पूर्व में एक 395 डकैती के मामले में जेल गया है और कुछ ही दिन पहले यहाँ से छुट के आया था। और पुलिस की तत्परता के कारण एक क्राइम जो था वो टला है और इसके लिए अलग से SHO को उसमें पुरस्कृत किया जाएगा। तो हम सोचे कि हमारा तो बच्चा घर पर नहीं, तो यहाँ का हम पहचान नहीं, हम देखे नहीं, हम सोचे ना, तो हम सोचे कि हमारा बच्चा तो घर पर है, यहाँ कहाँ है। लेकिन हम 2 मिनट भी नहीं, हम अपना मोबाइल से फोन किए घर पर, बबुआ है तो बोल रही हैं बच्चे कि नहीं, बबुआ तो 12 बजे से लेकर भाग गया है बंगाली नाम का लड़का। तो हम फिर वहाँ से वापस आ गए बिहारी में, पता कि अस्पताल में छोड़ दिया। पुलिस के बारे में क्या पुलिस ने आपके बच्चे को बहुत जल्दी तत्परता से बरामद कर लिया, इस कार्य के लिए आप क्या कहेंगे? हम तो अच्छा ही कहेंगे, हमारे तुरंत कहने पर आ गए पुलिस। अच्छा, बंगाली को आप लोग पहले से जानते थे? जी, ये बहुत चोर है, अभी तो 2 महीना हुआ है उसको जेल से लौट के घर गया। क्या नाम आपका? मंजू देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? गढ़ा।